बहुत गरीब फैमिली से सर, हमारे घर बिल्कुल कच्चे हैं, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, हमारे जॉइनिंग करवा दो सर, हमारे जॉइनिंग करवा दीजिए। 29 तारीख से बैठे हुए सर यहाँ पे धरने पे, कोई नहीं हमें देख रहा सर, कहाँ पड़े हुए कहाँ नहीं, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो सर। 2019 की भर्ती है सर, 4 साल से चली हुई है सर, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इतनी मुश्किल से पेपर पास कराए सर। सर 29 तारीख से यहाँ बैठे हुए 1 साल हो गया सर, रिजल्ट आए हुए हैं, लड़कियों का रिजल्ट सर 2 बार रिवाइज हो गया है, उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर, हमारा कसूर क्या है ये बताइए सर, क्यों नहीं हमारी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, क्या कसूर है हमारा, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो। नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम सीमा है। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, कब से आपकी मांग जो है पूरी की गई, क्या मामला क्या है? ये सर हमारा हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग का मामला है, हमारा 17 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था मेल का और 18 को हुआ था फीमेल का, तो उसके बाद से हमारी ज्वाइनिंग पे स्टे लग गया था, 6 हमारा स्टे लग गया था, तो उस पर हमारा ये है कि भाई हमारा सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, और उसमें हम बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दी जाए, हमारी बहुत सारी हियरिंग भी हो चुकी हैं कोर्ट में, पर जब भी हमारा जब जजमेंट का के नंबर आता है तो हमारा रोस्टर चेंज हो जाता है, मतलब जज चेंज हो जाता है, और हमारा फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता। लास्ट टाइम भी जो हमारी जस्टिस थी जयश्री ठाकुर, उनका भी मतलब लास्ट टाइम था जजमेंट का, पूरे बच्चों को आस थी कि भाई हमारा लास्ट जजमेंट है, आज हमारा फाइनल हो जाएगा, तो उसी दिन ही हमारा रोस्टर चेंज हो गया। के साथ आज आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? हाँ जी हाँ जी। कब से कर रहे हैं प्रोटेस्ट आप? प्रोटेस्ट सर 29 तारीख से हमारा प्रोटेस्ट शुरू है। 29 तारीख से बैठे हुए सर यहाँ पे धरने पे, कोई नहीं हमें देख रहा सर, कहाँ पड़े हुए कहाँ नहीं, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो सर, 2019 की भर्ती है सर, 4 साल से चली हुई है सर, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इतनी मुश्किल से पेपर पास कराए सर, मुख्यमंत्री से सर आग्रह हमारी ज्वाइनिंग करवा दो सर, बहुत गरीब फैमिली से सर, हमारे घर बिल्कुल कच्चे हैं, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो सर, हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। सर 29 तारीख से यहाँ बैठे हुए 1 साल हो गया सर, रिजल्ट आए हुए हैं, लड़कियों का रिजल्ट सर 2 बार रिवाइज हो गया है, उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर, हमारा कसूर क्या है ये बताइए सर, क्यों नहीं हमारी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, क्या कसूर है हमारा, हमारी ज्वाइनिंग करवा दो। सर उसके बाद कंटिन्यू करने लग रहे हैं, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, लास्ट में हम रोड पर उतरने खातर मजबूर हो गए सर, 2 दिन में अगर हमारा सोल्यूशन हो जाए तो द बेस्ट है, अदरवाइज हम 11 तक भूख हड़ताल लड़के और लड़की कंटिन्यू करेंगे, यह लड़की सर हमारा कम से कम 10 किलोमीटर का जो है पैदल मार्च हो चुका है, और यह लड़की कंटिन्यू सर रोए जा रही है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां सर जो बहुत ज्यादा रो रही है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि 4 साल से सर भर्ती अटकी हुई है, बहुत सारी लड़कियां सर ओवर एज हो चुकी, अब वो ना तो फॉर्म भर सकती और ना इसमें ज्वाइनिंग सरकार दे रही है, तो सर हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि हमारी ज्वाइनिंग दो, जो दूध मोए बच्चों को ले लेके, कम से कम सर 50 लड़कियां जो है मैरिड है और उनमें से 10-20 लड़कियां सर ऐसी हैं जो दूध मोए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रही है सर, सरकार हमारी मजबूरी के समझे, हम बेटियों को पढ़ाने की बात करती है सरकार, लेकिन जी बिल्कुल सर ये सरकार देखे सर हमारी तरफ, देखे हमारी मजबूरी, देखे बच्चों को, देखे छोटे छोटे जो चलना भी अभी नहीं सीखे हैं सर, उन बच्चों को लेके जो है महिलाएं पुलिस की जो कैंडिडेट है वो आई हुई है सर, और सर ये सरकार से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सर ज्वाइनिंग कराए, अदरवाइज सर हम मजबूर है कि हम 11 तारीख से जो है ना भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। मेरा नाम पुष्पा है, मैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल कैंडिडेट हूँ, और मेरा रिजल्ट हमारा रिजल्ट 15 दिसंबर को आया था, उसके बाद रिवाइज हुआ, रिवाइज होने के बाद भी हमारी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, ये सरकार से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाई जाए, वरना हमें आगे और कुछ कदम उठाना पड़ेगा। शांति शांति धन्यवाद। प्रदीप सर 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 पर।
हम कहना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन देती है और दूसरी ओर हमारी बेटियां कितनी दुखी आपने देखी होगी। और पिछले सर 2019 की ये भर्ती है और खट्टर सरकार ने ये घोषणा की थी हर साल 6000 पोस्टों पर भर्ती करेंगे, उस हिसाब से 24000 पोस्टें तो वैसे ही हो गई है और इतनी छोटी छोटी बच्चों के साथ लेकर आई है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को सताना आप बंद कर दो। और ये युवा वही हैं जिन आपने अगर फेयर पेपर लिया था तो इन्हीं बच्चों ने आपकी तारीफ भी की थी, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो परसों से ये आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगा जल्द से जल्द है ना हरियाणा पुलिस की भर्ती को पूरा किया जाए और तत्काल में मैं आपसे मीडिया, क्योंकि मीडिया एक हमारा स्तंभ होता है, आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। और हम यही कहेंगे कि जो अभी हियरिंग दी हुई है कि 6 फरवरी को हियरिंग होगी और आपसे अनुरोध है कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि फास्ट ट्रैक पर हमारी हियरिंग करवाए और जल्द से जल्द अगली डेट पर हमारा फैसला दे। ये भाई और मेरे बहन बहुत ज्यादा दुखी है और हम पूरा हरियाणा दुखी, आप जैसे देखोगे ना इतनी रोते एक ये कवर है। क्योंकि सरकार से आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया, मांग भी कर ली है और आगे कई दिनों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो पंचकुला में। सर हमारा देखो कितना शांति प्रिय प्रोटेस्ट है, इतने बच्चे हैं, एक भी आपने अनुशासनहीनता इन बच्चों के अंदर नहीं देखी है। और अगला हमारा प्लान है सर, हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी ना कोई भी बच्चा, 11 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सर हम अपना अनशन खत्म है नहीं करेंगे। और आप से मैं यही अनुरोध करूंगा सर, हमारी मांग को आप प्रकाशित कीजिए क्योंकि मीडिया हमारे पास